नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हो, कल हमने यूनिट 4 की थी, जो कि नेट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहला वर्क है डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आज के समय जो हम डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज पढ़ते हैं, उसका सबसे पहले निर्माण किसने किया? सैमुअल जॉनसन ने। और ये कब मणि? 1755, यानी कि 1755 में द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हुआ। और किसने लिखी है? सैमुअल जॉनसन ने। इसके अलावा बहुत सारे वर्क हमने पहले भी सैमुअल जॉनसन के पढ़े हैं। आपको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना है, पढ़ना है सैमुअल जॉनसन को। उसके अलावा देखते हैं दूसरी जो डिक्शनरी है, अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो किसने लिखी? नोहा वेबस्टर ने। जो दो प्रकार की डिक्शनरियाँ हैं वो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। तो अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसने लिखी? नोहा वेबस्टर ने। और कब लिखी? 1828 में। तो दोनों डिक्शनरियाँ आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरा है थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहला वर्क है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन सब का जिक्र कहाँ किया है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में जो पब्लिश हुआ था, तो ये थ्योरी किसने पब्लिश कराई थी? चार्ल्स डार्विन। आप बार बार चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ते हो, उसी के अंदर थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट है वो दिया हुआ है। आपको ये अच्छी तरह से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद देखो द सोल ऑफ लंदन, एक वर्क आया था द सोल ऑफ लंदन 1905 में, और ये किसने लिख रहा है? फोर्ड मेडोक्स फोर्ड ने। यानी कि द सोल ऑफ लंदन 1905 में आया और किसने लिखा? फोर्ड मेडोक्स फोर्ड ने। और ये किसके बारे में? जैसा कि आपको वर्क से ही कई बार आप अंदाज़ा लगा लेते हो, सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ लंदन। लंदन का जो संस्कृति थी या सोशल व्यू था या पॉलिटिकल व्यू था, उसको लिखकर किसने लिखा है? ये हमारे फोर्ड मेडोक्स फोर्ड ने। तो आपको ये वर्क ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। फिर एसे ऑफ इलिया, ये इम्पोर्टेंट है। एसे ऑफ इलिया 1823 में लिखा, और किसने लिखा? चार्ल्स लैम ने। आप अच्छी तरह जानते हो ये इलिया है, बहुत बार पूछा जाता है। सिडोनियम नेम है किसका? चार्ल्स लैम का। बहुत सारे राइटर हैं उस समय थे, वो अपना नाम नहीं लिखते थे, उसकी जगह सिडोनियम यूज़ करते थे। तो इलिया किसके लिए सिडोनियम यूज़ हुआ है? चार्ल्स लैम के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं ए रूम ऑफ वन सोन। आपने अच्छी तरह ये वर्क पढ़ा है, और जो जब भी हम एमए या पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो वहाँ ये वर्क ज़रूर आता है, ए रूम ऑफ वन सोन। तो ये किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है 1929 में। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि एक राइटर के लिए एक अच्छा कमरा प्लस में उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो आराम से अपना राइटिंग वर्क है वो कंप्लीट कर सके। तो ए राइटर मस्ट हैव हिज ओन रूम एंड सम अमाउंट ऑफ मनी। ये सब किस में बताया गया है? ए रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ ने जो लिखा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्क पढ़ते हैं द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। थोड़ा साथियों तेज चल रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, एग्ज़ाम आपके सर पे है, तो स्पीडली ये वर्क हमने पढ़ने हैं। और आपको अगर टाइम लगे तो डिटेल में पढ़ लेना, अदरवाइज अभी के लिए आप इसको जो नाम है जान लेना, इतना ही इसका काफ़ी है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आता है स्टेट में, तो नंबर ऑफ टाइम्स ही आया है। 1890 में जो वर्क आया था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, किसने लिखा है? विलियम जेम्स ने। और इसी के अंदर एक टर्म आई थी स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक नरेटिव टेक्निक होती है जिसके अंदर एक पोएट है अपने थॉट्स और आइडिया को लिखता है। तो ये क्या है? एक नरेटिव टेक्निक स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कहाँ जिक्र मिलता है हमें? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कब पब्लिश हुई? 1890 में, और किसने लिखी? विलियम जेम्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस वर्क का पता होना चाहिए। इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, चाहे हमारे साइकोलॉजी पढ़ते हैं या हमारा नेट का है, तो बार बार ये क्वेश्चन देखा जाता है। थ्री एसे ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी। जब भी सेक्सुअलिटी का कंसेप्ट आता है तो आपको पता है सिगमंड फ्रेंड जो कि ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे वो ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि इद है, ईगो है, सुपर ईगो है, या लिबिडो है, या जो हमारी सेक्सुअल पावर है उसको डिस्क्राइब कौन करते हैं? हमारे सिगमंड फ्रायड। तो 1905 में एक वर्क आया था
थ्री एसेस ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, जो किसने लिखा है, सिगमंड फ्राइड ने। इसके अलावा एक और वर्क आया था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये दोनों वर्क द थ्री एसेस ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये दोनों वर्क किसने लिखे हैं, सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड के बारे में आपको सारा मैंने बता दिया, ईगो है, सुपर ईगो है, लिबिडो है, ये सब जो मैं टर्म बता रहा हूँ वो किस में जिक्र की गई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में। उसके बाद नेक्स्ट वर्क पढ़ते हैं द स्टोन ऑफ वेनिस। द स्टोन ऑफ वेनिस एक वर्क आया था 1851 में, जो किसने लिखा है, जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन एक आपको पता है अच्छे राइटर हैं, जिनके बहुत सारे वर्क हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं और हमारे बुक में भी ये मिलता है, और मॉडर्न पेंटर भी इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे, छोटी सी क्लास में आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो इसलिए आपको फास्ट ये थोड़ा फास्ट करा दिया है, और जितना जल्दी हो सके आप इन सब के नोट्स बना लें, क्योंकि आपको दो या तीन क्लास और दूंगा जिसके अंदर देखो राइटर तो इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं, जो एक है जो भी लिटरेचर पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको इन राइटर का पता होना चाहिए। तो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।